एक तरफ भारत की नजर रहने वाली है WTC चैंपियनशिप की तरफ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की, जिसके लिए काफी मुकाबले यहां पर भारत को जीतना होंगे। एक तरफ IPL का समापन होगा मई के महीने में, उसके बाद कौन से दौरे पर भारत जाने वाली है, किन अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने वाली है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात की जाए, जैसे ही IPL खत्म होगा मई के महीने में, वहीं आखिर में जाकर ये IPL जो है कहीं संपन्न हो पाएगा, इसीलिए जून के शुरुआत में ही भारतीय टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मुकाबले खेलते हुए नजर आएगी और T20 वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस होगी भारतीय खेमे के लिए। वहीं उसी महीने में भारतीय टीम आयरलैंड जाने वाली है, जहां पर 2 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली है ये टीम आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें हो सकता है कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम देने के बारे में मैनेजमेंट जरूर वहां पर सोचेगा। फिर जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होगा, वहां पर इंडिया जो है इंग्लैंड का टूर करने जा रही है, जिसमें एक बचा हुआ टेस्ट मैच वहां पर इंडिया जीतने की कोशिश करेगी, जिसमें भारत 2-1 से बढ़त बना चुकी है ऑलरेडी। अब एक और मैच वहां पर जीतकर अपनी जो ये जीत की जर्नी है इसे कंटिन्यू रखना चाहेगी भारतीय टीम और WTC फाइनल की राह तक आगे बढ़ना चाहेगी। साथ ही 3 एक दिवसीय मुकाबले भी वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले होंगे भारतीय टीम को, और एक और वर्ल्ड कप से पहले अच्छा मौका होगा यहां पर भारतीय टीम के सामने प्रैक्टिस करने का, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के सामने 3 T20 मैचेस वहां पर खेलेगी भारतीय टीम। जिसके बाद जहां एक बार वेस्ट इंडीज भारत आई थी टूर करने के लिए, वहीं अब इंडिया जाएगी वेस्ट इंडीज टूर पर, जिसमें 3 ODI और 3 T20 मैचेस भारतीय टीम खेलती नजर आएगी जुलाई से अगस्त के बीच में। फिर बात की जाए सितंबर के महीने की, तो वहां पे एशिया कप की शुरुआत होगी और 12 ODI मैचेस खेलेगी भारतीय टीम। अगर फाइनल में पहुंचती है तो फिर एक अतिरिक्त फाइनल मैच भी वहां पर खेलती हुई नजर आएगी भारतीय टीम। जिसके बाद सितंबर के ही महीने से शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया। भारत के सामने अच्छा मौका होगा ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमीन पर बुलाकर एक अच्छी पटखनी देने का और WTC में अपने आप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि 4 टेस्ट मैच इस श्रृंखला में खेले जाने हैं, साथ ही 3 T20 मैचेस भी इस श्रृंखला में खेले जाने हैं, जो कि सितंबर से लेकर नवंबर तक चलने वाली है, जिसके बाद अक्टूबर से नवंबर वर्ल्ड कप वहां पर मैचेस होने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, जहां वर्ल्ड कप के बाद इंडिया टूर करने वाली है बांग्लादेश को और 2 टेस्ट मुकाबले खेलेगी, जो कि WTC के लिए काफी महत्व रखेंगे भारतीय लिहाज से। साथ ही 3 ODI मुकाबले भी खेलेगी भारतीय टीम और दिसंबर में वहां पे श्रीलंका एक बार फिर भारत आएगी और 5 ODI मुकाबले खेलेगी भारत के खिलाफ, और जनवरी 2023 तक ये दौरा चलने वाला है, जिसके बाद जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड टूर करने वाली है इंडिया को और 3 ODI मुकाबले वहां पर खेलती हुई दिखाई देगी न्यूजीलैंड और भारतीय टीम। जिसके बाद जनवरी से फरवरी के महीने में 3 ODI मुकाबले खेलते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आएगी इंडिया की सरजमी पर ये मुकाबले खेलने के लिए। ठीक उसके बाद एशिया कप और फिर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होगा, जिसमें 48 मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है भारतीय टीम का बिजी कैलेंडर जो हमने आपको यहां पर बताया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि क्या लगता है आपको भारत क्या WTC चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में खेल पाएगी और क्या T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।